हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अगर आपको एक ऐसा टेबल एसक्यूएल में बनाने के लिए दे दिया जाए जिसमें कि आपको 10 एम्प्लॉइज की सैलरी दिखानी हो तो कैसे बनाएंगे, आइए समझ लेते हैं। छोटा सा सवाल है, फिर हम उसमें इंक्रीज करके भी देखेंगे कि अगर उनकी इनकम हर साल 10% या 20% इंक्रीज हो रही है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इंक्रीज कैसे करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको करना क्या है, क्रिएट पे चले जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद डिजाइन क्वेरी डिजाइन पे जाना है और यहां से इसको क्लोज कर देना है। फिर जैसे ही यहां पे आएंगे तो यहां पर आपको दिखेगा इस तरीके का सिनेरियो। यहां पे लिखिए क्रिएट टेबल सिंपली इस तरीके से और ये टेबल क्रिएट हो जाएगी। टेबल का हमें नाम देना है, जैसे मैं दे देता हूं एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टी, टी यानी टेबल। और यहां पर ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, स्मॉल ब्रैकेट ओपन रहेगा। और ये करने के बाद आपको करना क्या है, एम्प्लॉय का नाम देना है। ठीक है, और एम्प्लॉय की आईडी देनी है। तो यहां पे मैं लिखता हूं एम्प्लॉय कुछ इस तरीके से और यहां अंडरस्कोर लगाता हूं और आईडी कर देता हूं। तो ये एम्प्लॉय की आईडी हो जाएगी और ये कौन सा डेटा टाइप है ये आपको मेंशन करना होगा। तो यहां पे मैं इसे इंटीजर डेटा टाइप बना लेता हूं, कॉमा देता हूं, एंटर करके नीचे आता हूं और यहां पे एम्प्लॉय का जो नेम है वो आ जाएगा। तो यहां पे लिखा मैंने एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम। तो बस इतना कर दिया हमने, काम हो गया है। यहां पर आपको देना है टेक्स्ट डेटा टाइप, तो टेक्स्ट डेटा टाइप हमने दे दिया और फिर कॉमा लगाइए और लास्ट में सैलरी की बात कर लेते हैं। तो ये लिख दिया सैलरी और सैलरी कौन सा डेटा टाइप होगा, सैलरी जो होगा वो होगा आपका इंटीजर डेटा टाइप। तो यहां पे इंट लिखा मैंने, आप चाहे तो करेंसी भी कर सकते हैं, करेंसी करेंगे ज्यादा बेटर। तो यहां करेंसी कर देता हूं। ठीक है, तो ये करेंसी डेटा टाइप दे दिया हमने और एंटर करके नीचे आएंगे, इसको बंद करेंगे। बस यहां से रन पे क्लिक करना है आपको और ये प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। और यहां पर जितने एम्प्लॉइज का नाम डालना हो नाम डाल दीजिए और सैलरी की डिटेल भी आ जाएगी। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि ये कैसे किया मैंने।